रीवा जिले के पटेहरा पुलिस चौकी अंतर्गत बरदहा घाटी में आज सुबह सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गया। घटना के बाद मौके से गुजर रहे एम्बुलेंस के चालक ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल तीनों घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों का उपचार जारी है। घटना के संबंध में एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि वह दूसरे मरीज को लेकर जा रहा था, लेकिन इमरजेंसी के चलते उन्हें रोककर इन तीनों घायलों को लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा है। चालक ने बताया कि घायलों में कमलेश साहू, शिवानी साहू और कुंदन साहू हैं, जो बरोहा गांव के निवासी हैं। यह तीनों बाइक में थे, जिन्हें अज्ञात पिकअप चालक ने टक्कर मार दी थी और तीनों घायल अवस्था में सड़क पर पड़े थे। इस दौरान वह वहां से गुजरा और तीनों घायलों को सड़क पर पड़े देखा। इसके बाद तत्काल उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा है, जहां तीनों घायलों का उपचार जारी है। बरदहा घाटी पर एक्सीडेंट हुआ था, जबकि दूसरे केस में था, दूसरा मतलब उनको उतार के इनको लेके आए, क्योंकि इमरजेंसी था, इस कारण लेके आए। इनको कहाँ से लेके आए? ये बरदहा घाटी के पास से। कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ कुछ पता नहीं? ये पता नहीं चला, लेकिन मैं गया था तो एक्सीडेंट वहाँ पूरे पड़े थे। कितने लोग? 3 लोग थे। कौन कौन? कमलेश साहू 18 के लगभग है, कुंजना साहू और शिवानी साहू। कहाँ के रहने वाले? ये बड़ा वहाँ के शायद रहने वाले हैं। वही पिकअप वाला टुकर मार दिया? हाँ, पिकअप वाला। तीनों की हालत गंभीर? तीनों की हालत गंभीर। क्या नाम है आपका? पुनीत मिश्रा। 108 जननी।